राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है और लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां, मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया है, बैठकें शुरू हो गई है, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जो कि इनको अब चर्चा करनी है अपनी बैठकों में जरूरी है और जिसे लेकर, जिस पार्टी को लेकर के ये चर्चा हो रही है वो है आम आदमी पार्टी। एक साल भी नहीं हुआ, एक डेढ़ साल पुरानी ये पार्टी है, इसे लेकर के बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां आज डरी हुई है। अनुराग ढांडा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, एक तरफ जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो डरी हुई है आम आदमी पार्टी से, आज से सदस्यता अभियान पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी चलाने जा रही है, क्या कुछ जानकारी है आपको इस बारे में? देखिए, बिल्कुल डरने की वजह भी है क्योंकि अमूमन कोई एक साल पुरानी पार्टी होती है, बेशक उसको एक राज्य में जीत मिल जाए, लेकिन वो ये सपना नहीं देखते हैं कि लोकसभा की तमाम सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो मैसेज दिया गया है कि लोकसभा की तमाम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उसकी वजह से बड़ी पार्टियां डरी हुई हैं। और जब भी आम आदमी पार्टी को लगता है कि किसी डिसीजन को लेने में कहीं कोई मुश्किल हो रही है तो वो जनता के बीच चले जाते हैं। और अब वही आज से शुरू हो रहा है कि आज से एक मेंबरशिप ड्राइव शुरू की गई है जिसमें फ्री मेंबरशिप रखी गई है, उसके तमाम तरीके अलग अलग निकाले जाएंगे। मिस्ड कॉल के जरिए आप मेंबर बन सकते हैं, कॉल किया जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से, आपको पूरी जानकारी ली जाएगी। SMS के जरिए आप आम आदमी पार्टी के सदस्य बन सकते हैं और ये तमाम अनाउंसमेंट आज दोपहर को की जाएंगी जिसमें सदस्यता लेने के तमाम तरीके बताए जाएंगे। लेकिन लोग सुबह से ही पहुंचने शुरू हो गए हैं श्वेता, जो यहां पर सदस्यता लेने के लिए पहुंचे, मैं बात भी उनसे कराना चाहूं। आप यहां पर सदस्यता लेने आए थे, क्या एक्सपीरियंस है? जी, मेरा नाम समीर अंसारी है, मैं सुल्तानपुरी से आया हूँ। यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला है कि 11 बजे के बाद मतलब फ्री सदस्यता मतलब प्राप्त करने के लिए नंबर जारी किए जाएंगे, उसके जरिए आप मतलब कहीं से इंडिया में कहीं से भी आप मैसेज द्वारा आप अभी फॉर्म नहीं भरवाए जा रहे हैं? नहीं, फॉर्म नहीं भरवाए जा रहे हैं, मतलब मैसेज द्वारा मतलब सदस्य बन सकते हैं। तो जो भी लोग श्वेता यहाँ पर मेंबर बनने के लिए आ रहे हैं और देश के तमाम हिस्सों में जो भी लोग आम आदमी पार्टी के दफ्तर में मेंबर बनने के लिए आ रहे हैं, उनको ये बताया जा रहा है कि SMS या फोन कॉल के जरिए आप मेंबर बन सकते हैं। बिल्कुल अनुराग, यहाँ पर लेकिन एक बात आपसे समझना चाहेंगे अनुराग, बहुत पुरानी पार्टी नहीं है, एक सवा साल हो रहे हैं इस पार्टी को, ऐसे में एक राज्य की बात नहीं है अब लोकसभा चुनाव, पूरे देश की बात अब होगी, ऐसे में क्या मजबूती महसूस कर रही है आम आदमी पार्टी? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा राज्यों में चुनाव लड़ने की बात ये पहले ही कर चुकी है, लेकिन सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है? देखिए, आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो हुई थी उसमें हर स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे थे और उनकी तरफ से जो फीडबैक था वो ये था कि पार्टी हर जगह पर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उसको दोबारा क्रॉस चेक करने के लिए ये एक तरीका इजाद किया गया है कि एक मेंबरशिप ड्राइव चलाई जाए आज से लेकर 26 जनवरी तक, और उसमें जिस तरीके का रिस्पॉन्स देश के अलग अलग हिस्सों से आएगा, जितने सदस्य वहां बनेंगे उसके आधार पर ये तय करेगी पार्टी, उसको मदद मिलेगी पार्टी को ये तय करने में कि कहां पर कितनी सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा जा सकता है। तो निश्चित तौर पर ये जो फ्री मेंबरशिप ड्राइव है ये भी स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है और उसी पर के आधार पर तय होगा कि कितनी सीटें लड़ेंगे।